ने डिजिटल राशन कार्ड व नौकरी दिलाने के नाम पर 1,38,78,641 रुपए ठगी करने वाले दो अभियुक्तों मोहित कुमार गुप्ता और सुभद्रा नंद गुप्ता को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुरुवार को बसंतपुर में घर में अकेली महिला को बंधक बनाकर बदमाश ने की लूटपाट, घर में रखा जेवर लेकर हुआ फरार। मामला राजघाट थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने कहा, तहरीर के आधार पर की जा रही है छानबीन, जल्द होगी अभियुक्त की गिरफ्तारी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जनपद के प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित, कहा चौधरी चरण सिंह किसानों के थे हितैषी। दो वांछित साथी चोरों हनुमान व पवन कुमार उर्फ सन्नी के घर पर बांसगांव थाने की पुलिस ने कुर्की का नोटिस किया चस्पा, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर पर जनपद स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। शासन की महत्वाकांक्षी योजना एवं परियोजनाओं को आम जनता तक सुगम और सरल तरीके से पहुँचाने पर हुई चर्चा। शंभुनाथ के घर में बालकेश नाम के व्यक्ति ने घुसकर चोरी करने का किया प्रयास, परिजनों के जागने पर चोर ने दो मंजिला छत से लगाया छलांग, हुआ गंभीर रूप से घायल। मामला पिपराइच थाना क्षेत्र का। सूचना मिलने पर पुलिस ने चोर को मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। एसपी नॉर्थ ने कहा, अभी तक किसी पक्ष से नहीं प्राप्त हुई है तहरीर, तहरीर मिलने पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराओं के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर पार्टी का किया गया आयोजन। सिबेश सिंह बने मिस्टर फ्रेशर, वहीं शिवानी जायसवाल बनी मिसेस फ्रेशर। मुख्य अतिथि श्रीमती अंशु सिंह, प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रमुख खजनी ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शिक्षा संस्था में है महती भूमिका। गौ तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों दीपक सैनी व सूरज पाल के ऊपर गीडा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई, सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। ठंड को देखते हुए आपदा विभाग द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का किया जा रहा है वितरण। आपदा अधिकारी ने कहा, अभी तक 3,000 जरूरतमंदों में कंबल का किया जा चुका है वितरण। सभी तहसीलों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कंबल वितरण करने के लिए दिया गया है निर्देश। किसान दिवस पर सपाइयों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, भूमि हदबंदी कानून को लागू करना उनके कार्यकाल की रही प्रमुख विशेषता। महात्मा गांधी कॉलेज में वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। बालक वर्ग में आयुष यादव तथा बालिका वर्ग में करिश्मा चौहान बनी ओवरऑल चैंपियन। कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है बहुत जरूरी। ट्रैफिक व्यवस्था को सकुशल बनाने के लिए त्रिनेत्र अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सीओ ट्रैफिक की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। ने कहा, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाने के लिए जनमानस को करे जागरूक। और 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे सैयद अली शहीद के निधन पर राष्ट्रबंधन समिति ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, देश की हॉकी के मजबूत स्तंभ रहे लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड सैयद अली शहीद।